गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छात्रों, कल के वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने केंद्रीय समस्याओं पर चर्चा की थी। केंद्रीय समस्याएं, केंद्रीय समस्याओं में मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से समस्याओं के समाधान पर आपसे चर्चा की गई और मुख्य तौर पर आपको ये बताया गया कि हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं और कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है, और अंत में दो प्रकार से इसका विवर्तन बताया, जिसमें एक प्रकार आपको बताया गया, नंबर एक, संसाधनों में परिवर्तन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का विवर्तन कैसे होता है। अब इसमें संसाधनों का जो परिवर्तन है, ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो आपको बताया था साधनों में वृद्धि के संदर्भ में, एक आपको बताया था साधनों में कमी के संदर्भ में। जब साधनों में वृद्धि होती है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का अपवर्ड साइड शिफ्टिंग होता है, ऊपर की ओर विवर्तन होता है, और जब संसाधनों में कमी होती है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का डाउनवर्ड साइड शिफ्ट होता है। तो देखिए, यहां हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ करते हैं। ये मैंने यहां प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया है, एबी। एबी जो है ये उत्पादन संभावना वक्र है। अब इसमें शिफ्टिंग कैसे होगा, तो दो प्रकार से शिफ्टिंग होगा कि जब संसाधनों में वृद्धि होगी तो ये अपवर्ड साइड जाएगा, आगे की ओर तरफ जाएगा, और संसाधनों में जब कमी होगी तो ये पीछे की तरफ आएगा। तो जैसे यदि संसाधनों में इकोनॉमी के अंदर वृद्धि होती है तो ये आगे की तरफ इस प्रकार से जाता है, A1 B1, और जब संसाधनों में कमी होती है तो ये डाउनवर्ड शिफ्टिंग होता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है, A2 B2। OYX पर आप पूंजीगत वस्तु ले सकते हैं या पूंजीगत संसाधन ले सकते हैं, और OX अक्ष पर आप उपभोग वस्तु ले सकते हैं या श्रम गहन तकनीक को आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गया इसमें संसाधनों में परिवर्तन के साथ उत्पादन संभावना वक्र का विवर्तन। दूसरा आपको इसमें मैंने बताया था कि जब तकनीक में परिवर्तन हो, टेक्निक्स में चेंज आए, तकनीक में परिवर्तन हो, तो फिर किस प्रकार से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंज आता है। तो ये भी दो तरीके से अपन इसमें देखते हैं। जैसे यदि दोनों वस्तुओं की तकनीक, चाहे वो पूंजीगत वस्तु हो चाहे वो आपकी उपभोग वस्तु हो, पूंजीगत OYX पर पूंजीगत वस्तु को ड्रॉ किया है और OX अक्ष पर उपभोग वस्तु को ड्रॉ किया है, ये Y वस्तु है, ये X वस्तु है, और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है AB। तो देखिए छात्रों, यहां तकनीक में चेंज आएगा। अब तकनीक में चेंज आने का मतलब है कि तकनीक या तो सुधर सकती है या तकनीक में ह्रास हो सकता है। तो जब तकनीक में सुधार होगा या तकनीक श्रेष्ठ होगी तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, जैसे कि यहां चित्र में बताया गया है A1 B1, और तकनीक में ह्रास होता है तो फिर ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है A2 B2। ये तो इसका हो गया सामान्य परिवर्तन। अब इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे एक वस्तु की तकनीक को स्थिर मान लें और एक वस्तु की तकनीक में यदि परिवर्तन करें, क्योंकि साधन सीमित होते हैं और सीमित साधनों की स्थिति में हम ज्यादा जो नए प्रयोग करते हैं वो सीमित संसाधनों से किसी एक वस्तु विशेष के संदर्भ में करते हैं, तो या तो पूंजीगत में परिवर्तन आ सकता है या उपभोग वस्तु में परिवर्तन आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, यहां पर यदि आप वाई वस्तु की तकनीक को कॉन्स्टेंट मानते हैं, स्थिर मानते हैं, और एक्स वस्तु की तकनीक में परिवर्तन मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शिफ्टिंग होगा वो वाई अक्ष से एक्स अक्ष की तरफ होगा, इस प्रकार से। अब इसमें ए बी जो हमारा प्रारंभिक पॉसिबिलिटी कर्व है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन अब तकनीक में जो सुधार हो रहा है वो हो रहा है उपभोग वस्तु की तकनीक में। पूंजीगत वस्तु की तकनीक को क्या मान लिया गया है, यहां पर कांस्टेंट मान लिया गया है। तो जब उपभोग वस्तु की तकनीक में सुधार हो रहा है तो कम साधनों से उपभोग वस्तु का ज्यादा उत्पादन होगा, जिसके कारण प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो बी से बी1 हो जाएगा। अब चूंकि यहां ध्यान रखने की बात यह है
कि यहां पूंजीगत वस्तु की तकनीक को कांस्टेंट माना है, इसलिए यहां कोई चेंज नहीं आ रहा। ओए जो दूरी है उसको स्थिर मान लिया गया है, और जबकि उपभोग वस्तु की तकनीक में परिवर्तन आ रहा है, तो इसके कारण उपभोग वस्तु का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, इसलिए बी से बी वन इसमें चेंज आ रहा है। इसी प्रकार इसका रिवर्स डायग्राम भी बन सकता है कि जब हम उपभोग वस्तु की तकनीक को तो स्थिर मान लें और पूंजीगत वस्तु की तकनीक में परिवर्तन करें। तो जैसे ही अपना प्रारंभिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया, ये एक्स अक्ष पर उपभोग वस्तु और वाई अक्ष पर पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत ए बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसमें क्या है कि उपभोग वस्तु तकनीक को स्थिर माना है, तो जो इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र का जो चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा इसमें, वो बी से ए की ओर, एक्स अक्ष से वाई अक्ष की ओर जाएगा ही, इस प्रकार से ए से ए वन। अब चूंकि यहां उपभोग वस्तु की तकनीक स्थिर है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं है, बी पॉइंट को हमने कांस्टेंट कर दिया है, और चूंकि पूंजीगत वस्तु की तकनीक में परिवर्तन है, इसलिए आगे की ओर जा रहा है ए से ए वन। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने की है कि यदि एक तो होता है तकनीक में सुधार, तकनीक में जो सुधार होता है, श्रेष्ठ तकनीक आती है, तो कर्व जो है वो आगे की ओर परिवर्तित होता है। एक होता है तकनीक में ह्रास, जब तकनीक में कमी होती है तो उस स्थिति में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पीछे की ओर आता है। तो ऐसी स्थिति में भी दोनों प्रक्रियाएं लागू होंगी, जैसे हमने पहले वाले चित्र में यहां ये बात की कि यहां उपभोग वस्तु की तकनीक में वृद्धि हो रही है, सुधार आ रहा है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आगे की ओर शिफ्ट हो गया बी से बी वन। इसी प्रकार उपभोग वस्तु की तकनीक में ह्रास भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है, तो ऐसे स्थिति में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का डाउनवर्ड्स शिफ्टिंग होगा बी से बी टू। इसमें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का इस तरफ मूव कर रहा है, और इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। ऐसे ही पूंजीगत वस्तु में होता है कि जब तकनीक में सुधार होगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का अपवर्ड साइड शिफ्टिंग हो रहा है, आगे की ओर जा रहा है, और तकनीक में यदि ह्रास होता है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ए से ए टू, इसका मतलब इसमें इस तरफ इसमें परिवर्तन होगा। तो यहां दो प्रकार से मुख्य रूप से परिवर्तन हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पहले भी आपको बताया, यहां भी इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक इस चीज को बता रहा हूं कि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो अपनी मूल स्थिति को कब छोड़ता है या कब उसमें परिवर्तन आता है या कब उसमें बदलाव आता है, तो उसके दो मुख्य रीजन बनकर निकल कर आ रहे हैं। एक तो संसाधनों में परिवर्तन होने से, कि पहले की तुलना में संसाधन या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ज्यादा होते हैं तो ये अपवर्ड साइड शिफ्टिंग हो जाता है इस प्रकार से, और जब कम होते हैं तो ये डाउनवर्ड साइड शिफ्टिंग हो जाता है, इस तरीके से हो सकता है। दूसरा इसमें जो कारण बताया आपको वो बताया तकनीक में परिवर्तन, तो तकनीक में जब परिवर्तन होगा